डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने 19 मई को मृत सफाई कर्मी सनोज कुमार की पत्नी जंतीरा देवी को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिसके संबंध में डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि 19 मई को एक सफाई कर्मी सनोज कुमार, जो कि भटहट विकास खंड पर तैनात थे, किसी बीमारी की वजह से उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, जिसको देखते हुए उनकी धर्मपत्नी जंतीरा देवी को मृतक आश्रित कोटे से नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया, जिसके लिए एक महीने के अंदर सभी दस्तावेज को जमा करा लिया गया और नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया, जिससे कि मृतक के परिवार को किसी तरह की असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि अभी पोस्टिंग जिले पर है, लेकिन उनसे बात करके उनके घर से नजदीक भटहट ब्लॉक में नियुक्ति कर दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, मैडम क्या नाम है आपका? आपके पति का नाम क्या था? आपके पति की मृत्यु कब हुई थी? 19 मई को इनके पति पति की मृत्यु हो गई थी। उनके स्थान पर उनको आज नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। सफाई कर्मी में इनकी नियुक्ति उनके स्थान पर मृतक आश्रित कोटे से। ठीक है मैडम, चलिए काम कीजिए। 19 मई 2022 को जो सफाईकर्मी भटहट में कार्यरत थे सनोज कुमार जी, उनकी असामयिक मृत्यु हो गई किसी बीमारी की वजह से, तो उसके स्थान पर उनकी पत्नी जंतीरा देवी को आज 25 जून को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र सौंप दिया। जो भी उनको डॉक्यूमेंट से जो भी प्रोसेस करना था, जो भी कार्रवाई होती थी, उस कार्रवाई को कंप्लीट करके लाइक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और सारे प्रोसेस को पूर्ण करके हम लोगों ने एक महीने से कुछ ही अधिक समय में उनको जो है नियुक्ति पत्र सौंप दिया, ताकि उनके परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो, अपनी नौकरी करके उनका जीविकापार्जन उनके घर वाले कर सकें। सर, पोस्टिंग उसी गाँव में हुई है? अभी उनको पोस्टिंग जिले पर दिया गया। उनको अगले दो दिनों में उनकी नियुक्ति उनसे पूछ करके जहाँ भी खाली स्थान होगा और जो उनके लिए सहूलियत होगा, ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि वो विधवा होंगी, तो उनके दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जहाँ रिक्त स्थान हो और जहाँ पर उनके गांव से नज़दीक हो, ऐसे स्थान पर उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी, पर भटहट ब्लॉक में ही की जाएगी।